So, myself, Praveen Kumar. Had secured All India rank 3 in ESC 2018. ओके, फर्स्ट थिंग यार, मैं अपोलोजाइज करना चाहूंगा क्योंकि लाइट नहीं है मेरे रूम पे, इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो रहा है. बट एनीवे, आई एम गोइंग थ्रू विथ माय मोबाइल हॉटस्पॉट. सो लेट्स स्टार्ट द टॉक. फर्स्ट थिंग, टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए. आई विल कंटिन्यू इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ बिकॉज सम ऑफ यू आर आस्किंग मी टू स्पीक इन इंग्लिश एंड सम ऑफ यू आर आस्किंग इन हिंदी. सो आई विल कंटिन्यू इन बोथ बट मोस्टली इन हिंदी बिकॉज आई थिंक ज़्यादातर लोग को हिंदी अच्छे से आता होगा. ओके, सो एनी एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाउंडेशन. व्हाट आई थिंक, फाउंडेशन के लिए सब तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग इज, व्हाई डू यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. आपका कोई भी रीजन हो सकता है. फॉर मी इट वाज कि मुझे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक टाइम लीड करने को मिलेगा, नेशन बिल्डिंग में काम करने को मिलेगा. दिस वॉज द मेन मोटिवेशन फॉर मी. बट आप लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है. हो सकता है कि आपको एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए, कुछ भी है. बट इट शुड बी स्ट्रांग दैट वाई डू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. यदि ये चीज स्ट्रांग नहीं है तो आगे चल के बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है. काफी टाइम आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, काफी टाइम आपको पढ़ने की इच्छा नहीं करेगी. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन, व्हाई डू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, दैट विल कम इन टू पिक्चर. इसलिए आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए कि व्हाई डू यू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. सेकेंड थिंग दैट इज नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज, आप लोग जो भी क्वालिटीज होते हैं एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट के, दैट इज मे बी आप लोगों के पास, कुछ लोगों के पास नहीं होगा, बट यू शुड डेवलप इट. दे आर बेसिकली आई एम लिस्टिंग थ्री क्वालिटीज फॉर एन एस्पिरेंट. फर्स्ट थिंग इज ड्रीम, कमिट एंड टेक एक्शन. यदि आपने ड्रीम देखा है कि हाँ मुझे ESC एग्जामिनेशन निकालना है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आपका ड्रीम और व्हाई डू यू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, इट शुड बी इंटरलिंक्ड. और एक बार जब आपने ड्रीम देख लिया है कि हाँ मुझे एग्जाम निकालना है, देन यू शुड कमिट टू इट एंड टेक एक्शन. काफी लोग होते हैं, सोच लेते हैं कि हाँ मुझे एग्जाम निकालना है, लेकिन उस लायक वो मेहनत नहीं करते हैं, देन यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड. सो फर्स्ट थिंग, टेक एक्शन. सेकेंड थिंग इज, हैव कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ इन योर सेल्फ. काफी टाइम होगा आपको लगेगा कि यार मेरे से एग्जाम नहीं होगा, टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, काफी लोग पहले अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते हैं. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड हैव बिलीफ इन योर सेल्फ. जब आप बिलीफ रखोगे खुद पे, तभी आप एक्शन ले पाओगे और आगे बढ़ पाओगे. थर्ड थिंग इज कंसिस्टेंसी एंड परसिवरेंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी लाइट कटा हुआ है मेरे रूम पे, लेकिन दिस डज नॉट मीन कि आप पढ़ना छोड़ दो. एट दिस पॉइंट, कोई भी सिचुएशन हो, यदि आप रियली एग्जाम निकालना चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा. डजेंट मैटर कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डेली 8 घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन डेली पढ़िए, एक भी दिन मत छोड़िए. एंड सेकेंड थिंग इज परसिवरेंस.
बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे इस एग्जामिनेशन के दौरान. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम परसिवरेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट यू विल हैव. से मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ. दिस ईयर आई गेव यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू बट आई कुडंट क्लियर दिस एग्जामिनेशन. बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया प्रिपरेशन करना. मैं तुरंत अगले कुछ एक डेढ़ घंटे के बाद से फिर से मैं मेहनत करने लगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ. तो फर्स्ट थिंग फॉर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यू नीड टू हैव क्लियर विजन दैट व्हाई डू यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. देन सेकंड थिंग इज इम्बाइबिंग क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एस्पिरेंट. देन थर्ड थिंग इज सो फर्स्ट टू क्वालिटीज आर फिलोसॉफिकल क्वालिटीज बट द थर्ड थिंग इज सब्सटैंशियल क्वालिटी दैट इज बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट. कोई भी एग्जामिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छा करें, क्योंकि आगे चल के आप जब सवाल सॉल्व करते हैं या फिर आपसे कुछ बन नहीं रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे आप जब अपना कॉन्सेप्ट अच्छा रखेंगे तो आगे चल के आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा. मतलब मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर रखा हूँ पिछले 2 सालों में. मैं एक प्रॉब्लम हर एक में देखा हूँ कि लोग कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड सही से नहीं करते हैं. वो सोचते हैं कि जल्दी से सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँ. लेकिन बिलीव मी, सबसे पहला जो पार्ट होगा कि आप अपना कॉन्सेप्ट कैसे अच्छा करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा आपके प्रिपरेशन का. बाद में आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, ये सब आपके फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट जो आपने बिल्ड किया था स्टार्टिंग में उसी पे डिपेंड करता है. तो हाउ डू यू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, मैं अपना बताता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना. सबसे पहले सिंस आई डिडंट टेक एनी कोचिंग, तो मैंने एक कोचिंग का सारा मटेरियल निकाल लिया. उसके बाद एक अच्छे से प्लान बनाया कि हाँ, इतने दिन में मैं सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट करूंगा, इतने दिनों में मैं सॉलिड मैकेनिक्स कंप्लीट करूंगा. तो फर्स्ट इंस्टेंस में लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स. इन सॉइल मैकेनिक्स व्हाट डिड आई डू, मैंने कोचिंग के मटेरियल उठाए और उसको एज ए टीचर मान के सबसे पहले प्रॉपर नोट्स बनाया, समझते हुए एक एक कॉन्सेप्ट को. यदि कुछ लोग कोचिंग कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप कोचिंग से अच्छे से समझिए कॉन्सेप्ट को. उसके बाद एक बार जब आपका नोट्स बन जाता है, और नोट्स बनाते वक्त बीच में बहुत सारे कन्वेंशनल क्वेश्चन आएंगे, या फिर जो लोग कोचिंग कर रहे हैं वो लोग टीचर पढ़ाते वक्त बहुत सारे कन्वेंशनल क्वेश्चंस देते हैं, आप उसको खुद से कीजिए सबसे पहले. और जैसे ही एक एक चैप्टर आप कंप्लीट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स का, जैसे सपोज दैट आप सीयर स्ट्रेस या फिर परमिएबिलिटी समथिंग लाइक दैट, आप यदि चैप्टर कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चन कीजिए. मैं आगे डिस्कस करूंगा कि प्रीलिम्स कैसे करना है, लेकिन फाउंडेशन के टाइम आप होलिस्टिक तरीके से प्रिपरेशन कीजिए. सॉइल मैकेनिक्स जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सॉइल मैकेनिक्स है, तो ये होलिस्टिक तरीके से फाउंडेशन में तभी कंप्लीट होगा जब आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते हैं समझते हुए, कन्वेंशनल क्वेश्चन करते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करते हैं विद इन टाइम लिमिट. दिस मीन्स कि आपका एक सब्जेक्ट का फाउंडेशन कंप्लीट हुआ है, और इसी तरीके से आगे आपको सारे कॉन्सेप्ट सारे सब्जेक्ट के फाउंडेशन कंप्लीट करने हैं. ये हो गया फाउंडेशन कंप्लीट करना. देन सेकेंड थिंग कम्स प्लानिंग पार्ट. यदि आप एग्जामिनेशन में प्लानिंग नहीं करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन इट्स ऑल अबाउट टाइम कि आप किस तरीके से लिमिटेड टाइम में सारे सब्जेक्ट को, क्योंकि सिलेबस इज रियली ह्यूमंगस, आप किस तरीके से टाइम के अंदर कंप्लीट करते हैं. और यदि आप टाइम के अंदर कंप्लीट करेंगे तभी तो एग्जाम में भी दिखेगा और आप एग्जाम में भी टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे.
तो मैं ऐसे प्लानिंग को देखता हूँ, जैसे मैं कोई भी एग्जामिनेशन खुद से सेल्फ स्टडी किया हूँ, तो मैं एज ए जैसे काफ़ी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे वो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, तो मैं एग्जाम को एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखता हूँ कि मैं एग्जाम को अच्छे से डिवाइड कर दिया कि मुझे क्या क्या प्रिपरेशन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन है, ईएससी एग्जाम को मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट थिंग इज फाउंडेशन, सेकेंड थिंग इज प्रिलिम्स, देन मेंस, देन इंटरव्यू। इन फाउंडेशन दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, नेक्स्ट कम टू प्रिलिम्स, देन थर्ड थिंग मेंस, एंड फोर्थ इज इंटरव्यू। ओके, आई विल इलेबरेट मोर ऑन प्लानिंग। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लानिंग, माइक्रो एंड मैक्रो प्लानिंग। इन माइक्रो प्लानिंग आप डेली का टारगेट डिसाइड कीजिए कि आज मुझे इतने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, इतने सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और वो आप कंप्लीट कीजिए। एक बार आपने डेली का टारगेट बना लिया तो आप उसे कंप्लीट कीजिए। एंड देन कम्स मैक्रो प्लानिंग, कि आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लें कि कितने दिनों में मैं इसे कंप्लीट कर सकता हूँ। जिस हाँ हेलो, अब आवाज क्लियर आ रहा है? ओके, सो इन मैक्रो प्लानिंग आप ये डिसाइड कीजिए कि अगले एक महीने में मुझे सोयल मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स और जो भी चीज़ है, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि इतने दिनों में मेरा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। और माइक्रो प्लानिंग में आप डेली का डिसाइड कीजिए। जैसे काफ़ी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर टाइम मैनेज कैसे करें, मैं ऐसे देखता हूँ कि मैं ये ध्यान नहीं देता हूँ कि मुझे डेली कितने घंटे पढ़ने हैं, मैं ये ध्यान देता हूँ कि मेरा टारगेट क्या है डेली का। यदि मैंने ये टारगेट बना रखा है कि आज मुझे सॉलिड मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, अब आवाज क्लियर आ रही है? ओके, सो यदि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे आज कंप्लीट करने हैं पूरे पेपर, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो मैं उसे कंप्लीट करके ही सोऊंगा। यदि वो 12 घंटे लेते हैं, 13 घंटे लेते हैं, यदि वो चीज 9 घंटे में हो जाता है तो ऑब्वियसली आई कैन एंजॉय दैट डे। ठीक है, तो दिस इज माइक्रो एंड मैक्रो प्लानिंग। और टाइम डिस्ट्रेक्शन का यही चीज है कि आप कितना टारगेट लेके पढ़ाई कर पाते हैं। यदि आप ये सोचेंगे कि मैं 10 घंटे डेली पढ़ूं, तो काफी टाइम हो सकता है कि आपके 10 घंटे नहीं कंप्लीट हो पा रहे हैं, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन यदि आप टारगेट रखते हैं तो आपका फिक्स है कि मुझे इतना कंप्लीट करना है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। नाउ कम टू प्रिलिम्स पार्ट। इन प्रिलिम्स प्रिपरेशन फर्स्ट थिंग इज बिल्ड योर फाउंडेशन, वो चीज मैंने पहले स्लाइड में डिस्कस कर दिया है। सेकेंड थिंग इज सोर्स, क्या क्या सोर्स लेना है। तो प्रिलिम्स में दो पार्ट होते हैं, एक टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, एक जीएस एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड होता है। टेक्निकल सब्जेक्ट में कोचिंग मटेरियल्स हैं, आपके नोट्स हैं जो आपने नोट्स बनाए हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो एक बार जब आपने कोचिंग मटेरियल से नोट्स बना लिए हैं, उसके बाद आप अपने नोट से स्टिक कीजिए, क्योंकि कोचिंग मटेरियल बहुत बड़ा होता है, वो चीज़ बहुत टाइम लेगा, लेकिन आप एक बार नोट्स बना लेते हैं उसके बाद वो बहुत छोटा हो जाता है। क्या मुझे इतना ही कंप्लीट करना है, तो स्टिक टू योर नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कुछ कुछ चैप्टर तो ऑलमोस्ट 4 टाइम कंप्लीट किया था, और कुछ कुछ एटलीस्ट 3 टाइम तो सारे कंप्लीट किए थे। तो एटलीस्ट आपको इंश्योर करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप 3 बार करते हैं, पूरे एग्जामिनेशन जब तक आपका प्रिलिम्स होता है तब तक आप 3 बार एटलीस्ट कंप्लीट कीजिए। और जीएस एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का सोर्स ये है
कि आप कोई भी कोचिंग मटेरियल का बुक उठा लीजिए, जो कम छोटा हो, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। हर एक कोचिंग मटेरियल निकालते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देन सेकेंड थिंग इज हाउ टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐसे सॉल्व करना है कि आप जैसे ही लेट सपोज फाउंडेशन के टाइम आप जब प्रीलिम्स का सवाल सॉल्व कर रहे थे, तो कोई भी चैप्टर उठाते हैं, मान लीजिए उसमें 60 क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको उतना ही टाइम दीजिए जितना टाइम आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। एग्जामिनेशन में आपको 150 क्वेश्चन लगभग करने हैं 180 मिनट में, तो समथिंग लाइक 1 मिनट के अराउंड आपको हर एक क्वेश्चन पे मिल रहा है। तो आप जैसे यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, तो आप 60 क्वेश्चन को 60 मिनट्स में कीजिए बिल्कुल टाइम के साथ, और एक बार जब कंप्लीट हो जाता है फिर आप आंसर मैच कीजिए और एनालिसिस कीजिए कि क्यों गलत हो गया, क्या क्या रीजंस थे गलत होने का। काफी टाइम ये हो सकता है कि वो पूछ रहे थे नॉट करेक्ट बट आपने करेक्ट मार दिया, या फिर कुछ सिली मिस्टेक हो गया। तो वो सब चीजें आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ किस रीजन की वजह से गलत हो रहा है, कहीं पे फॉर्मूला आपको याद नहीं था, और ये सारे टाइप के जो मिस्टेक्स हैं आप उसे कॉपी में लिखिए। और कुछ भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन में मिल रहा है, आप वो चीज को भी अपने नोट्स में लिख लीजिए। तो ये तरीका था मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। देन नेक्स्ट टीम कम्स प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज को बहुत ही रिलीजियसली जो भी वो स्केड्यूल निकालते हैं, जैसे हमारे टाइम अक्टूबर के अराउंड स्टार्ट हुआ था टेस्ट सीरीज, तो मैं बहुत ही अच्छे से टेस्ट सीरीज को फॉलो करता था। फॉलो करने का ये तरीका है, जैसे एक वीक में सपोज दैट नेक्स्ट वीक सॉलिड मैकेनिक्स और जीएस में कोई भी टॉपिक का टेस्ट होने वाला है, तो आप ये कीजिए कि सॉलिड मैकेनिक्स का आपने नोट्स रिवाइज करना है, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है अगेन विद इन टाइम, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। उसके बाद आप जाके टेस्ट दीजिए, और एक बार जब आप टेस्ट दे लेते हैं देन अगेन जब आंसर मिलता है, जब मार्क्स आते हैं, फिर एनालिसिस कीजिए कि क्यों क्यों गलत हुआ, और उस एनालिसिस को आप अगेन अपनी कॉपी में लिखिए कि क्या क्या मिस्टेक हुआ, क्या एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था। आफ्टर टेस्ट सीरीज देन वन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एग्जामिनेशन इज शॉर्ट नोट्स। मैंने अपना शॉर्ट नोट्स अपलोड किया है, आप देख लीजिए, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप अपना नाम सर्च करके टेस्ट शॉर्ट नोट सर्च कीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, वन थिंग, आप लोग इसे काफी कमेंट में लिख रहे हैं कि जनरल स्टडीज वगैरह बताने का, मैं सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा धीरे धीरे, आप देखते रहिए। तो ओके, अबाउट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका क्या है? शॉर्ट नोट्स को मैं ऐसे देखता हूँ कि आपके नोट्स जो आपने शुरुआत में फाउंडेशन बिल्ड करने टाइम बनाया था, या तो जो कोचिंग से पढ़े या फिर खुद से पढ़े, एक एक कॉन्सेप्ट आपके शॉर्ट नोट्स में आएगा। मतलब बेसिकली शॉर्ट नोट्स नोट्स इज लाइक कॉम्प्रेस्ड वर्जन ऑफ योर नोट्स, जिसमें आपका एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फॉर्मूला, जो भी आपने टेस्ट सीरीज या प्रीलिम्स लास्ट ईयर का सवाल सॉल्व किया था, उसमें जो मिस्टेक्स हुए, जो एक्स्ट्रा आपके कॉन्सेप्ट लिखा है, सारा चीज आपके शॉर्ट नोट्स में आएगा। और कुछ भी गाइडेंस लेना है आपको शॉर्ट नोट्स का, तो आप मेरा ऑब्वियसली देख सकते हैं, ठीक है? इसमें एक अपना शॉर्ट नोट्स का फोटो अपलोड किया हूँ, मैं उसे पहले दिखाना चाहूंगा, एक सेकेंड। ओके, सो दिस इज माई शॉर्ट नोट्स। तो इसमें आप ये चीज देख रहे हैं, ओके, सो यू आर सीइंग दिस क्वेश्चन। ये बेसिकली एक बार है, ठीक है, उसे बेंड करते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि आउटर सरफेस पे कितना स्ट्रेन आएगा। सॉल्व कीजिएगा तो 1 से 1.5 मिनट लग जाएंगे, बट मुझे अच्छे से याद था इसका आंसर, एप्सिलन इक्वल टू 4TD/L². मैं डायरेक्टली वहां पे आंसर देखा, मार दिया। और इसी आप पेज में ये वाला देखिए,
कि एक ट्रायंगल है, उसमें पूछ रहे हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा। हेलो, हाँ आ रही है आवाज? ओके, तो अगेन ये दोनों सवाल एक पेज का मैंने नोट्स दिखाया, सिर्फ कितने सारे क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली मेरे शॉर्ट नोट्स आए थे, बस मुझे याद कितना हुआ, अदरवाइज आपको सॉल्व करने में ऑलमोस्ट एक मिनट लग जाएगा क्वेश्चन में, मैं बस देखा मैक्सिमम 10 सेकंड और 5 सेकंड बबल फिल करने में। तो इससे कितने फायदे हुए, आपके टफ क्वेश्चन भी बन गए, टाइम भी सेव हुआ, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। ओके, नाउ कम्स टू नॉन टेक्निकल पार्ट प्रीलिम्स के। तो नॉन टेक्निकल पार्ट्स में मैं देखा हूँ ज्यादातर लोग बहुत कम मार्क्स लाते हैं, लगभग 100 के राउंड लाते हैं, बट व्हाट आई बिलीव कि यदि आप सही से नॉन टेक पार्ट करते हैं आराम से आपके 115 आ सकते हैं, और एटलीस्ट यू शुड एम फॉर 115 मार्क्स। कोई भी सीरियस स्टूडेंट है, आवाज आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, हाँ हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, तो सोर्स बहुत सिंपल है, आप कोई भी कोचिंग का बुक उठा लीजिए, लगभग हर एक कोचिंग वाले छोटे छोटे बुक निकालते हैं हर एक चैप्टर के लिए, हर एक टॉपिक के लिए। तो इसमें करना क्या है कि बुक को एटलीस्ट 3 बार पढ़ना है आपको एग्जाम से पहले। आप पहले रीडिंग में सबसे फर्स्ट थिंग आई वुड से कि पिछले 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उसको एनालिसिस कीजिए कि किस टाइप का पेपर दे रखे हैं। एक बार आप देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर को, उसके बाद आप बुक को पढ़ना शुरू कीजिए और उसमें हाईलाइट कर लीजिए। तो बहुत कम टाइम लगता है आपको पढ़ने में। ओके, हेलो, ओके, सो अभी तक ये प्रॉब्लम हो रहा था कि इंटरनेट मैं अपने फ़ोन से चला रहा था क्योंकि लाइट नहीं था, बट अब लाइट आ चुका है तो आपको आवाज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। अब आपको आवाज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि मेरा प्रॉपर इंटरनेट आ चुका है, अभी तक मैं अपने फ़ोन से कर रहा था। ठीक है, अब लाइट प्रॉपर आ चुका है। ओके, सो नॉन टेक्निकल पार्ट में आपको बुक को 3 टाइम्स रिवाइज करने हैं। फर्स्ट टाइम आप अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो इंपॉर्टेंट पार्ट आप तभी हाईलाइट कर पाइएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस किए हैं। आप अच्छे से देखिए कि UPSC का पूछने का तरीका क्या है। आपको बुक में बहुत सारा चीज़ मिलेगा लेकिन सब कुछ याद करने लायक नहीं होता। तो मैं कुछ कुछ टॉपिक का नाम दिया हूँ, जैसे क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स, मटेरियल साइंस, इन्वायरमेंट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये चीज़ के आप कॉपी जो भी बुक है उसको अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा चांस है कि जो बुक में दिए हुए हैं वो मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके बुक से, तो कीजिए। फिर सेकेंड थिंग आता है करंट अफेयर। ज़्यादातर लोग करंट अफेयर के लिए ये करते हैं कि कोचिंग इस मटेरियल निकालती है लास्ट में प्रॉपर करंट अफेयर का कंपाइलेशन, आप उसे पढ़ सकते हैं, बट प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा स्कीम्स फैक्ट्स वगैरह रहते हैं, और मैं पिछले 4 साल के पेपर एनालिसिस किया हूँ अच्छे से, स्पेशली ये टॉक देने से पहले मैंने अच्छे से एनालिसिस किया था क्वेश्चंस का, तो आई रियलाइज्ड कि बहुत ज़्यादा वो स्कीम्स फैक्ट नहीं पूछते हैं, वो ज़्यादा फोकस करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट।
तो मैं ये बोलूंगा कि आप बिल्कुल मटेरियल पढ़िए, लेकिन बहुत ज्यादा स्कीम्स और फैक्ट पे ध्यान मत दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। और एक और चीज मैं कहूंगा कि यूट्यूब पे डेली बहुत सारे लोग द हिंदू का एनालिसिस देते हैं, हाफ हाफ एन आवर का। तो आप ये कीजिए कि वो हाफ एन आवर को बहुत अच्छे से देखिए, और स्पेशली उसमें जो भी कंसेप्चुअल पार्ट आपके इकोनॉमी के दिखेंगे या फिर साइंस एंड टेक के कंसेप्चुअल पार्ट दिखेंगे, आप उसे प्लीज अपने नोट्स में बना लीजिए। तो करंट अफेयर के लिए दो चीज मैं बोलूंगा कि लास्ट टाइम आप जो भी कोचिंग मटेरियल्स निकालते हैं आप उसे पढ़ लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा स्कीम्स वगैरह याद करने पे फोकस नहीं करना है। एंड सेकेंड थिंग इज आप डेली वीडियो देखिए यूट्यूब पे द हिंदू का एनालिसिस, कोई भी देख सकते हैं आप। और करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक साल कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देते हैं करंट अफेयर से। एंड द पॉइंट इज, यदि आप वीडियोस देखते हैं, आई गारंटी यू कि ज्यादातर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। द थर्ड थिंग इज मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। मैथ्स एंड एप्टीट्यूड को मैं ऐसे देखता हूँ कि लगभग 15 से 16 क्वेश्चन हर एक साल आते हैं, और एज एन इंजीनियर आप लोगों को इंश्योर करना है कि मैथ्स एंड एप्टीट्यूड में आपको 100% स्कोर करना है। क्यों? दो चीज के लिए, कि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप यदि मेहनत किए हैं तो आप 100% बना सकते हैं। सेकंड थिंग इज, इसके सवाल आसान आते हैं। मैंने अपने कॉपी में मैथ्स एंड एप्टीट्यूड का भी शॉर्ट नोट्स पे बना के रखा है, आप उसे देख सकते हैं। बट मैं कहूंगा कि आप अच्छे से, जैसे कोई भी आप कोचिंग का मटेरियल लीजिएगा तो वहां पे आपको मैथ्स एंड एप्टीट्यूड का सेक्शन मिल जाएगा, आप उससे अच्छे से एनालिसिस कीजिए और उसे अच्छे से पढ़िए। थर्ड पार्ट इज इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड एथिक्स एंड सेफ्टी। इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो भी कोचिंग मटेरियल देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट और बहुत सारा कॉन्सेप्ट रहता है, आप उसे एक रीडिंग जरूर कीजिए, बट मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आप रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितना अच्छे से अवेयर हैं चीज़ों को लेके। तो जैसे मैंने करंट अफेयर का, बल्कि इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका करंट अफेयर से ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। दैट्स वाई आई वुड से कि आप करेंट अफेयर का वीडियोज देखिए, उससे आपका ICT का भी कंप्लीट हो जाएगा, और बुक को भी पढ़िए बट बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एथिक्स एंड सेफ्टी वन ऑफ द इजिएस्ट पार्ट है आपके नॉन टेक्निकल पार्ट का। यदि आप उसको बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, जैसे इंटीग्रिटी होता है या एथिकल इगोइज्म होता है, तो ये सब कॉन्सेप्ट को आप समझने का ट्राई कीजिए कि क्या होता है ये कॉन्सेप्ट। याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको ऑप्शन देकर मारना, यदि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो आप बिल्कुल कर पाइएगा। उसके बाद द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू डील इन नॉन टेक्निकल पार्ट, हाउ टू स्कोर मार्क्स इन दिस पेपर। आप सबसे पहले एनालिसिस कीजिए यूपीएससी के पेपर का, उसके बाद आपको, आप कितना भी पढ़ लीजिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चंस 35 से 40 से अधिक क्वेश्चन का आपको डायरेक्टली अच्छे से पता है कि हाँ ये इसका आंसर ये है। आपको यदि मार्क्स लाना है तो एटलीस्ट 80 से 90 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और 80 से 90 क्वेश्चन में कम से कम, नहीं तो 35 to 40 क्वेश्चंस आपको गेस करने पड़ेंगे। तो ये गेस करने का तरीका इंटेलिजेंट, आई वुड से रैदर इंटेलिजेंट गेस, ये आपका तभी सही हो पाएगा जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं, तभी से आप स्टार्ट कर दीजिए इंटेलिजेंट गेस करना, कि आप किस तरीके से सवाल को सॉल्व करें कि हाँ ये सवाल का ये आंसर होता है। और एनालिसिस करते वक्त आप ध्यान दीजिए कि कहाँ पे कौन सा सवाल आपका सही हो गया, कहाँ पे कौन सा सवाल आपका गलत हो गया, क्यों गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, और जहाँ पे सवाल सॉल्व हुए वहाँ पे किस तरीके से आपका सॉल्व हुए, कब आप इंटेलिजेंट गेस किए थे। लेट्स फॉर टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स फॉर टेक एन एग्जाम्पल कि क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं,
और आपसे पूछ रहे हैं कि इसका आंसर 1 2 3 है, सॉरी 1 है, 1 2 है, 1 2 3 है, समथिंग लाइक दैट। और इसमें आप एक भी स्टेटमेंट गलत कर देते हैं तो आपका बाकी का स्टेटमेंट नहीं भी पता है तो भी सवाल सॉल्व हो सकता है। तो दीज आर द स्मॉल ट्रिक्स ऑफ इंटेलिजेंट गेस। और ये ऐसा नहीं है कि कोई बता सकता है कि दीज आर द इंटेलिजेंट गेस, ये विथ टाइम आपका आता है, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस पे डिपेंड करता है। ये चीज आपको बिल्ड करना पड़ेगा अपना टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस। सो दिस इज अबाउट नॉन टेक्निकल पार्ट। देन सम जनरल गाइडलाइंस अबाउट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। वन थिंग इज प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर इज द ओनली मटेरियल यू आर यू नीड टू प्रैक्टिस, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली। कैसे सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर, ये चीज मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको प्रीवियस स्लाइड में। एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आप अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस जब भी आप टेस्ट देते हैं तब एनालिसिस कीजिए कि कब आपका इंटेलिजेंट गेस सही होता है, कब गलत होता है। और ये चीज आप लगातार डेली टेस्ट सीरीज में कीजिएगा, तब आपका डेवलप होगा कि कब आपका सही होता है। तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू बिल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप अच्छे से टेस्ट सीरीज देते हैं। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है वो चीज मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। एंड अगेन मेरा कोरा पे आप देख सकते हैं, मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, वहां पे आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। ये चीज मैंने डिस्कस कर दिया है। ओके, हाउ टू अटेम्प्ट प्रीलिम्स पेपर। जब मैं एग्जाम दिया था, व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज वेरी शॉक्ड, इतना ज्यादा क्वेश्चंस, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे। तो मैं वहां पे ये इंश्योर किया कि मेरे को कम से कम कैलकुलेटिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल और जंप जो इजी क्वेश्चंस हैं। तो आप हर एक में इंश्योर कीजिए, जैसे फ्लूइड है, फ्लूइड मेरे टाइम इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन और इतना ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया था तो मैं फ्लूइड पे ज्यादा टाइम दिया ही नहीं, बल्कि दूसरे चीज पे ध्यान दिया, क्योंकि एट द एंड आपको मार्क्स लाना है ना। और यदि आपको इस पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो एटलीस्ट 100 110 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने ही है। जैसे मैंने 128 क्वेश्चन सॉल्व किया था और मेरे 174 मार्क्स आए थे, एंड दिस इज गुड मार्क्स। तो आप, और ये चीज जो डेवलप होता है ना कि आप किस तरीके से पेपर सॉल्व करते हैं, ये थ्रू आउट टेस्ट सीरीज आप कितने अच्छे से एनालिसिस करते हैं उस पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छे से एग्जाम के दिन सॉल्व कर पाते हैं। तो दिस इज समथिंग। हाँ, मेरा स्ट्रेटजी ये रहता था सॉल्व करने का कि मैं 50 50 क्वेश्चन के सेट में करता था। पहले 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, नहीं, सबसे पहले मैं पूरे पेपर का ग्लैंस ले लेता था, क्योंकि मेरे टाइम ये हुआ था कि मेरा जो पेपर स्टार्ट हुआ था शुरुआत में बहुत टफ क्वेश्चन थे और बाद में आसान क्वेश्चन थे, तो मैं आसान क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो मैं आपको भी एडवाइस करूंगा कि आप एक जनरल ग्लांस ले लीजिए पूरे पेपर का, उसके बाद आप देख लीजिए कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। और मैं अगेन एडवाइस करूंगा कि आप 50 50 क्वेश्चंस के सेट में कीजिए, एक बार 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर बबल फील कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके पास जब आप बबल फील कर रहे हैं तो आपका माइंड भी रेस्ट करता है। देन अगेन फिर आप जब सेकेंड टाइम 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत इजीली आप आपका माइंड वर्क करेगा। सो दिस इज अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट प्रीलिम्स पेपर। नाउ कम्स टू मेंस प्रिपरेशन। कुछ लोग कमेंट पे बोल रहे थे कि सर गेट का भी बता दीजिए, तो मैं गेट का ये बताना चाहूंगा कि मैं गेट में बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया था। जैसे ही मेरा प्रीलिम्स खत्म हुआ था फिर मेरे 1 मंथ बच गए थे गेट के एग्जामिनेशन के लिए, तो मेरा स्ट्रेटजी बहुत सिंपल था। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पूरा बुक आता है उसको पूरा किया और कम से कम नहीं तो 20 से 25 टेस्ट दिए। पढ़ा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, जो भी मैंने ईएससी में शॉर्ट नोट्स बना रखे थे उसी को मैंने वापस से रिवाइज किया और प्रीवियस ईयर सॉल्व किया और कम से कम 20 से 25 टेस्ट दिए। दैट वॉज एट ऑल आई डिड फॉर गेट एग्जामिनेशन। तो मैं बहुत नहीं बता सकता गेट के लिए, हाँ, लेकिन जो ईएससी से प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से, उनको बिलीव मी दे वोंट नीड मोर देन दैट।
इनफ है आपके लिए यदि आप इतना कर लेते हैं गेट एग्जामिनेशन के लिए। एक बार आप गेट का एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका लगभग 4 से 5 महीने बच जाता है मेंस प्रिपरेशन के लिए। मेंस प्रिपरेशन भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सोर्स अगेन, आपने जो नोट्स तैयार किया था उसमें जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस थे उसको आपको सॉल्व करना है। तो कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए। लेट सपोज स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप अपना नोट्स रिवाइज कीजिए। एक बार नोट्स रिवाइज कर लेते हैं और फिर जो आपके नोट्स में कन्वेंशनल क्वेश्चन है उसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। और सॉल्व जैसे आप एग्जाम में कीजिएगा बिल्कुल वैसे कीजिए। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होना है, बट इतना ज़्यादा आपको अच्छे से लिखना है, इतना अच्छे से प्रेजेंट करना है कि एटलीस्ट सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ कैसे कैसे इसने स्टेप्स लेके सॉल्व किया है। बहुत ज़्यादा आप डिस्क्रिप्टिव लीजिएगा तो आपका टाइम लग जाएगा, लेकिन आप एकदम बिल्कुल भी डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखते हैं तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कन्वेंशनल क्वेश्चन। तो दोनों चीज़ का ध्यान रखना और बैलेंस करना है कि आपको इनफ डिस्क्रिप्टिव लिखना है कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आए किसके बाद ये स्टेप लिया है, क्या एजम्पशन था, बट बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होना है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए और आप पूरे पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। तो फर्स्ट सोर्स इज कन्वेंशनल क्वेश्चंस फ्रॉम योर नोटबुक। सेकेंड थिंग इज प्रीवियस ईयर कन्वेंशनल क्वेश्चंस। आप अगेन कोई भी कोचिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए और हर एक टॉपिक का अच्छे से सॉल्व कीजिए। बिल्कुल एक भी हिंट आपको नहीं लेना है सवाल सॉल्व करते हुए। हर एक सवाल को विद इन टाइम और खुद से कीजिए और वैसे कीजिए जैसे आप एग्जाम में कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कन्वेंशनल क्वेश्चन का, एंड आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल। इफ यू आर सीइंग प्रॉपरली, ठीक है, मैं क्या करता था, क्वेश्चंस लिखा और उसके बाद खुद से देखिए सॉल्व किया हूँ, ठीक है। तो ये तरीका था मेरा सॉल्व करने का। इससे क्या होता था, दो फायदा। फर्स्ट थिंग, आप रिवाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं एग्जाम के, जब आपके एग्जाम के टाइम रिवीजन करना है। प्लस आप बहुत अच्छे से लिखते हैं तो आपको अपनी गलतियों का भी पता चलता है। आप यदि रफ में सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका गलतियों का कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन आप जब प्रॉपर तरीके से इस तरह लिख के, जैसे मैं आपको अभी दिखाया था, जैसे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे ये सवाल देखना, ये एक स्ट्रक्चर एनालिसिस का सवाल है। मैं सवाल को लिखा, उसके बाद देखिए प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप अपने गलतियों का देख सकते हैं कि हाँ ये गलती हुआ। ओके, विजिबल नहीं है क्या, बट आप पॉइंट समझ रहे हैं कि क्या करना है, कि पहले क्वेश्चंस को रेड पेन से लिखना है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। दिस इज द पॉइंट ऑफ सोइंग माई कॉपी। ज़्यादा जानने मतलब एग्जैक्टली सवाल देखने की जरूरत नहीं है। ओके, द थर्ड थिंग इज थर्ड सोर्स IAS सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल बुक। इससे बहुत लोग जो ऑलरेडी एक बार तैयारी कर रखे हैं या फिर जिनके पास ज़्यादा टाइम है, आप ये कर सकते हैं कि IAS का लास्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर ऑप्शनल का पेपर है उसका भी मार्केट में बुक अवेलेबल है, आप वो मंगा लीजिए और उससे भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत टाइम होता है कि उससे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं ESC में। सो दीज आर द थ्री सोर्स दैट आई रेफर टू। द सेकेंड पार्ट ऑफ मेंस प्रिपरेशन इज हाउ टू सॉल्व कन्वेंशनल क्वेश्चंस। वो चीज़ मैंने अभी जस्ट कवर किया कि आप प्रॉपर क्वेश्चंस को लिखिए रेड या ग्रीन पेन से और फिर उसको डिस्क्रिप्टिवली सॉल्व कीजिए जैसे आप एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। और आफ्टर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन आप आंसर देखिए और आंसर आपका मैच होना चाहिए, और यदि आपका आंसर गलत होता है तो आप देखिए कि क्या चीज़ गलत की है और वहाँ पे जो भी मिस्टेक हुआ आप उसको लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम के टाइम इजीली रिवाइज कर सकते हैं कि ओके दीज आर द मिस्टेक्स दैट आई नीड टू अवॉइड। थर्ड थिंग इज टेस्ट सीरीज। अगेन यहाँ पे टेस्ट सीरीज का स्केड्यूल प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए। और टेस्ट सीरीज के वीक का मैं अपना तरीका बता देता हूँ कि मैं क्या करता था। मैं सबसे पहले
शॉर्ट नोट्स बना लेता था मेंस के टाइम भी। शॉर्ट नोट्स में मैं सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो भी मिस्टेक्स मैंने किए थे वाइल सॉल्विंग कन्वेंशनल क्वेश्चन, वो सारी चीज़ मैं अपने शॉर्ट नोट्स में रखता था। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रखता था अपने शॉर्ट नोट्स में, जैसे RCC हो गया, स्टील हो गया। इसमें ऐसा है कि कोई भी सवाल के लिए फिक्स प्रोसीजर है कि दीज आर द स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। तो पॉइंट ये है कि आपको एट द एंड RCC और स्टील में समझने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन का तरीका याद होना चाहिए कि दीज आर द स्टेप्स दैट आई नीड टू फॉलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक वाटर टैंक का सवाल है, तो वाटर टैंक में सपोज दैट आपको एक लॉन्ग सेक्शन डिजाइन करना है, तो उसका एक फिक्स प्रोसेस है कि दीज आर द स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। तो आप उसे यदि कॉपी में लिख लीजिएगा तो इजीली आप रिमेम्बर कर सकते हैं और सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें मैं अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड किया था। मैं आपको अगेन उसका एक पेज अपलोड किया हूँ, वो दिखाता हूँ। ये देखिए पेज है, जैसे मैं ये इन्वायरमेंट टॉपिक का मैंने अपलोड किया है। तो ओके, आर यू सीइंग दिस? देखिए ये चीज, ये ऐसा होता है कि BOD में किस तरीके से ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है, उसका ग्राफ है कि पहला कार्बोनेसियस ऑक्सीजन डिमांड है, सेकंड थिंग इज नाइट्रोजिनस ऑक्सीजन डिमांड। तो ये चीजें मैंने कॉपी में लिख लिया, तो मैं इजीली रिमेम्बर कर सकता हूँ और एग्जाम में लिख सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। थर्ड थिंग, मेंस के लिए जनरल गाइडलाइंस। मेंस में इफ समवन आस्क मी व्हाट इज द वन सीक्रेट टू स्कोर गुड मार्क्स इन मेंस, आई वुड से इट्स ऑल अबाउट अवॉइडिंग योर मिस्टेक्स। यदि आपके सारे क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके सारे करेक्ट आंसर आ रहे हैं, बिलीव मी आपका कोई मार्क्स नहीं काट सकता है। जैसे मैं 2018 में फर्स्ट पेपर में 254 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था और मेरे 239 आए थे, बिकॉज मैंने जो भी सवाल किया उसमें एक भी मेरे सिली मिस्टेक या आंसर मिस्टेक नहीं हुआ था। तो 254 मार्क्स का अटेम्प्ट में उन लोगों ने मुझे 239 मार्क्स दिया। तो यदि आप एक भी मिस्टेक नहीं करते हैं, आप बल्कि कम अटेम्प्ट कीजिए लेकिन मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए। दिस शुड बी द मेन मोटो ऑफ योर इंटायर बेसिस ऑफ मेन्स प्रिपरेशन, कि आप जब भी सवाल, इसलिए मैं इस तरीके से सवाल को सॉल्व करता हूँ, कन्वेंशनल क्वेश्चन को, कि सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा और आंसर लिखा। इससे क्या होता है कि मैं अपने हर एक मिस्टेक को ट्रैक कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उसमें आप सॉल्व करते वक्त या तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए मोमेंट एरिया मेथड या स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, उसमें हर एक में ये प्रॉब्लम होता है कि जब हम फ्रेम का सवाल सॉल्व करते हैं तो सपोज कॉलम में आई दिया हुआ है, बीम में 2i दिया हुआ है, तो मैं वहीं पे मिस्टेक कर जाता हूँ कि कब टू, भूल जाता हूँ कि 2i लेना है। तो इस टाइप के आप जब मिस्टेक्स अवॉइड तभी कर सकते हैं जब आपने कॉपी में अच्छे तरीके से सॉल्व कर रखे हैं और अपने मिस्टेक को अच्छे से याद करते हैं। तो अगेन इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूँ मिस्टेक पे, क्योंकि मेंस का बहुत लोग प्रिपेयर, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं लेकिन मिस्टेक्स नहीं अवॉइड करते हैं, उनकी वजह से उनका बहुत खराब मार्क्स आता है। बल्कि मेरा फ्रेंड है अबुजर गफारी, उसने लास्ट ईयर फर्स्ट रैंक स्कोर किया, सिक्योर किया था, बट हम दोनों रूममेट थे और बिलीव मी ही वॉज मच मच बेटर देन मी, बट फिर भी उसका अच्छा मार्क्स नहीं आया मेंस में, क्योंकि उसने सिली सिली मिस्टेक की वजह से काफी गलत कर दिए थे मेंस में, उसके बहुत कम मार्क्स आ गए थे मेंस में। तो अगेन आई वुड से कि आप मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए। सेकेंड पार्ट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन। हर एक साल आपको दोनों पेपर में कुछ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप थ्योरेटिकल, बहुत लोग होते हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि लिख लेंगे, बट बिलीव में आप एग्जाम में नहीं लिख पाएगा यदि आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं।
तो आप शुरुआत से ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, भले ही आपको 10 पॉइंट में 5 ही पॉइंट आते हैं, बाकी 5 पॉइंट आप सॉल्यूशन देखने के बाद अपने नोट्स में लिख लीजिए, लेकिन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम डे वन। थर्ड थिंग इज, जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो काफ़ी टाइम आपका रैंक अच्छा नहीं आता है, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार रैंक अच्छा नहीं आ रहा है, कैसे होगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं जब दे रहा था तो शुरुआत में मेरे बहुत अच्छे रैंक आते थे, टॉप 10 में मैं आता था, लेकिन जब मैं फुल टेस्ट देने लगा तो ऑलमोस्ट मेरे 100 के अराउंड रैंक आ रहे थे। क्यों आ रहे थे 100 के अराउंड? क्योंकि मैं जो पेपर सॉल्व करने का तरीका था वो बहुत, मैं ऐसे सॉल्व करता था कि मैं पहले फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन करता था जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है, उसके बाद मैं सिलेक्ट करता था। तो इससे होता क्या था कि यदि फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन टफ हैं तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था, एंड देन फिर मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता था बाकी क्वेश्चन चूज करने में। तो मैं लास्ट टाइम, मेरा एग्ज़ाम लगभग 1 जुलाई को था और मैं 26 जून को अपना स्ट्रेटजी चेंज किया एग्ज़ाम देने का। मैं क्या किया, और अगले 3 दिन तक लगातार उसी स्ट्रेटजी के साथ प्रैक्टिस किया। मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैं शुरुआत के 10 मिनट में, 5 या 10 मिनट जो भी लगे, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ओके, पहला पांच फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी होता है और आपको पहले सेक्शन से मिनिमम 1 या 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सेक्शन बी से मिनिमम 1 या 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, पहला पांचवा कंपलसरी है और 3 आपको सिलेक्ट करने हैं, मिनिमम 1 दोनों सेक्शन से होना चाहिए। दिस मीन्स कि 1 से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और 1 सेक्शन से 1 करना है। तो मैं क्या करता था कि पहले 10 मिनट में पहले डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद में ये भी डिसाइड करता था कि कौन से ऑर्डर में मुझे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एट द एंड आपको मार्क्स लाना है। डजेंट मैटर कि आप कौन सा हार्ड सवाल सॉल्व करते हैं या इजी सवाल करते हैं, यदि आप परफेक्ट मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं उसके हिसाब से मैं सिलेक्ट करूंगा। डजेंट मैटर कि मैं पहला सवाल या पांचवा सवाल पहले करूँ, जो आसान सवाल है जिसमें मैं 20 जिसमें 60 मार्क्स यदि परफेक्टली स्कोर कर पा रहा हूँ तो वो क्वेश्चन मैं पहले सेलेक्ट करूंगा। और यदि सपोज दैट टफ आ गया बहुत ज़्यादा पेपर, तो आप कम भी अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन मान लीजिए आप 200 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किए, लेकिन 200 मार्क्स ने आपने इतना परफेक्टली अटेम्प्ट किया है कि 200 में से आपको 190 मिल रहे हैं, तो दिस इज मच बेटर देन कि आप 250 300 मार्क्स के सवाल करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं सॉल्व होने के कारण बहुत गलत हो जा रहा है। क्योंकि एज पर माई एनालिसिस ये एग्ज़ाम में ऐसा है कि यदि आप सवाल के आंसर करेक्टली लाए हैं तो 20 में से एग्जामिनर 18 17 मार्क्स से कम दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन यदि आपने गलत किया है, भले ही आपकी पूरे प्रोसेस सही है लेकिन आपके आंसर यदि गलत आ रहे हैं, देन इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर कि आपको वो कितना मार्क्स दे। वो हो सकता है 5 मार्क्स भी दे, यदि अच्छा हो तो 10 मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको 5 मार्क्स से अधिक नहीं मिलेगा। तो फोकस आपका यही होना चाहिए कि कैसे आप करेक्ट आंसर लेके आते हैं। थर्ड थिंग इज मेकिंग शॉर्ट नोट्स। अगेन मैंने बता दिया है कि शॉर्ट नोट्स कैसे करना है, मेनली स्टील एंड आरसीसी के क्वेश्चंस का स्टेप्स लिख लीजिए, थ्योरेटिकल आंसर्स लिख लीजिए, जो भी फॉर्मूला है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारा लिख लीजिए, और अपने मिस्टेक्स भी अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए। मेरा एक फ्रेंड है, वो बोलता है कि आप एग्जाम में तैयारी करते हैं लास्ट के 1 वीक के लिए, दिस मीन्स कि आप पूरे साल आप जितना तैयारी कर रहे हैं वो चीज़ एट द एंड आपको लास्ट 1 वीक में कैसे रिवाइज करोगे उसके बारे में आपको सोचना है। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, मैं हर एक एग्ज़ाम में, इस बार सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया था या फिर मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया था ESC का, मेरे हर एक टाइम शॉर्ट नोट्स बने हुए थे। जैसे मैं शॉर्ट नोट्स का एग्जाम्पल देना चाहूंगा, देखिए देखिए ये शॉर्ट नोट्स है मेरे,
जैसे मैंने बना लिया है कि क्या फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ एन इक्विपमेंट, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन का है, या फिर दीज आर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का शॉर्ट नोट्स है। उसी तरीके से मैं पूरी कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना रखता हूँ, तो बिलीव मी शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाइए यदि आपको अच्छा रैंक लाना है। ये ओके, थर्ड थिंग इज हाउ टू अटेम्प्ट मेंस पेपर। वो चीज़ मैंने अभी जस्ट बताया था कि पहले आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए, फिर डिसाइड कर लीजिए कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एट द एंड आपको परफेक्ट आंसर लाने हैं। यदि आप 220 मार्क्स का भी अटेम्प्ट करते हैं लेकिन आप परफेक्ट आंसर लेके आते हैं, दैट इज मच मच बेटर देन कि आप 280 या 300 मार्क्स का करते हैं लेकिन आपके बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। क्योंकि आप यदि 220 मार्क्स का अच्छे से सॉल्व करते हैं और परफेक्ट आंसर आता है, तो देयर इज अ गुड चांस कि आप 200 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन आप 200-300 मार्क्स का भी करते हैं और आप आंसर्स नहीं ला रहे हैं तो 200 मार्क्स भी नहीं आएगा। तो अगेन फोकस ऑन अवॉइडिंग योर मिस्टेक्स। थर्ड पार्ट इज इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन यदि मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो ईएससी का ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वो इधर उधर नहीं जाते हैं कि आपके डैप से या फिर आपके हॉबी से पूछने, अगेन आपको प्रिपेयर करना है आपके हॉबी के बारे में भी, बट सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको टेक्निकल कॉन्सेप्ट पे। क्योंकि ईएससी में दे ऑल आस्क ऑलमोस्ट, आई हैव टॉक टू सो मेनी एस्पिरेंट्स और जितने लोग इंटरव्यू दिए हैं, मैक्सिमम 90% ऑफ द टाइम दे ऑल आस्क अबाउट टेक्निकल क्वेश्चन। तो आप टेक्निकल क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। प्रिपरेशन कैसे करना है इंटरव्यू का, मैं ये कहूँगा कि आप अपने कोई फ्रेंड को लीजिए जो इंटरव्यू दे रहा है, और आप दोनों स्टार्ट, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो पता है ही, आप दोनों स्टार्टिंग से एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दीजिए। कोचिंग का मटेरियल आ जाता है इंटरव्यू प्रिपरेशन का, उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं जो यूपीएससी में पूछा गया है। आप वो क्वेश्चन को अपने फ्रेंड से पूछिए और आस्क हिम टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन इन ल्यूसिड लैंग्वेज। सपोज दे कैन इवन आस्क यू व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट, ये भी सवाल पूछते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम बच्चे इस सवाल में भी फंस जाते हैं, क्योंकि जब तक आप ऑब्वियसली यू नो अबाउट बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, लेकिन आप उसको कितना सिंपल वर्ड में इंटरव्यू में आप समझा सकते हैं, क्योंकि आपके पास सोचने का वक्त 3 से 4 सेकेंड होगा। तो ये चीज तभी आ पाएगा जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं। सो दिस इज वन सिंपल रेसिपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट विथ योर फ्रेंड। ओके, लास्ट थिंग इज जनरल गाइडलाइंस एग्जामिनेशन के लिए, बी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। यदि आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, जैसे काफी लोग होते हैं कि शुरुआत के दिनों में बहुत पढ़ते हैं फिर एकदम से पढ़ना छोड़ देते हैं, ये इससे मच बेटर है कि आप डेली 10-10 घंटे पढ़िए, डेली 8 घंटे पढ़िए। दैट इज मच बेटर कि आप एक दिन 12 घंटे पढ़ रहे हैं, एक दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस एग्ज़ाम में। सेकेंड थिंग इज एग्जीक्यूट योर प्लान इन टाइम। जिसे शुरुआत में जैसे मैं बताया था, जब आप फाउंडेशन अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं तो आप एक प्लान बनाइए कि ओके सॉलिड मैकेनिक्स मुझे 10 दिनों में कंप्लीट करना है, सोयल मैकेनिक्स मेरे को 5 दिनों में कंप्लीट करना है, तो उस प्लान के साथ स्टिक कीजिए। जिससे काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर मैं कैसे इंश्योर करूं कि डेली मैं 10 घंटे पढ़ूं, मैं कहूंगा कि आप डोंट फोकस ऑन कि आपको 10 घंटे डेली पढ़ने हैं, ज़्यादातर फोकस ऑन कि आपको आपके टारगेट कम्प्लीट करने हैं। जैसे डेली आप सुबह सुबह उठिए और एक प्लान बना लीजिए कि मुझे आज इतने इतने सारी चीज़ें कंप्लीट करने हैं। और प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत इजी कर रहे हैं, या फिर प्लान ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा इंटेंस कर रहे हैं। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्लान बनाइए एंड स्टिक टू योर प्लान। यदि आपका उस दिन नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो आप जितना मेहनत हो सके उस दिन, यदि 12 से 13 घंटे भी मेहनत करना पड़े तो आप कीजिए मेहनत और कंप्लीट कीजिए अपने प्लान को, अपने टारगेट को उस दिन का कंप्लीट कीजिए। थर्ड थिंग इज ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन रादर देन बीइंग डिप्रेस्ड अबाउट प्रॉब्लम। से अगेन मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा,
जब मेरा लास्ट में फुल टेस्ट में 100 के राउंड रैंक आ रहा था, ऑब्वियसली मैं बहुत परेशान हो गया था, बट मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि मेरा क्या होगा, बल्कि मैं कुछ सीनियर से बात किया, अपने फ्रेंड से बात किया कि मेरे को क्या करना चाहिए। तब उनसे मेरे को सॉल्यूशन निकला कि मेरा तरीका जो अटेम्प्ट करने का है वो गलत है, उसको मुझे चेंज करना है। फिर मैं अगले 4 दिन ये चीज़ मैंने चेंज किया 26 जून को, और मेरा एग्ज़ाम था 1 जुलाई को। मैं अगले 4 दिन उसी स्ट्रेटजी के साथ 9 बजे से 12 बजे तक टेस्ट दिया। और यदि मैं जैसे मैं मेरा प्रिपरेशन अच्छा था, बट वन सीक्रेट थिंग जो मेरे लिए वर्क किया 3rd रैंक लाने में, दैट वाज माय लास्ट मिनट चेंज इन स्ट्रेटजी। कि मैं पहले क्वेश्चन डिसाइड कर लेता था किस ऑर्डर में करना है वो डिसाइड कर लेता था, और दिस वाज द मेन रीजन कि मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाया अपने मेंस एग्जामिनेशन में। तो अगेन फोकस ऑन द सॉल्यूशन। हाँ, जैसे काफी लोग होते हैं कि एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे ब्लेम करने लगते हैं। जैसे मैं इस बार CSE का एग्जाम दिया था, मैं इंटरव्यू तक पहुंचा बट मेरा नहीं निकला, तो मैं इस चीज़ पे ब्लेम नहीं करने लगा कि मेरा लक अच्छा नहीं था, या फिर ये प्रॉब्लम था, या फिर मैं ये नहीं कर पाया अच्छे से, बल्कि मैंने एक्सेप्ट किया कि क्या क्या मिस्टेक था मेरे में। मैं ऐसे देखा कि मैं अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं कर पाता था, तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। और मैं उस चीज़ के लिए, जब आप एक्सेप्ट करते हैं अपने वीकनेस को, देन यू स्टार्ट इम्प्रूविंग ऑन योर वीकनेस। यदि आप ब्लेम करते हैं तो अपने वीकनेस को कभी अच्छा नहीं कीजिएगा, और जब आप वीकनेस अच्छा नहीं कीजिएगा तो हर अगले साल भी कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि यदि आप अच्छा इसको टेस्ट सीरीज में या फिर फाइनल एग्जाम में नहीं कर पाते हैं, तो एक्सेप्ट योर वीकनेस और उसको इम्प्रूव करने पे फोकस कीजिए। फिर फाइनली एग्जाम डे, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है, बिकॉज मैं पूरे ESE के टाइम, प्रीलिम्स के टाइम, मेंस के टाइम, मैं रात में सो नहीं पाता था अच्छे से। मैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं, स्ट्रेस तो नहीं होता था, बट मोस्टली एक्साइटमेंट की वजह से मैं नहीं सो पाता था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सोइए अच्छे से, लेकिन यदि आप नहीं भी सो पाते हैं कुछ रीज़न की वजह से, तो आप इस चीज़ को एक्सक्यूज मत बना लीजिए कि मेरा एग्ज़ाम अब कैसे अच्छा होगा। नहीं, यू शुड फोकस ऑन कि नहीं यार, कुछ भी हो, मैं इतने साल, यदि 1 साल अच्छे से मेहनत किया हूँ, तो मैं फाइनल एग्ज़ाम अच्छा दे के आऊँगा। एंड बिलीव मी, मैं नहीं सो पाता था एग्ज़ाम में, बल्कि 1 से 2 घंटे में प्रीलिम्स के टाइम भी सो के गया हूँ, और मेंस के टाइम भी 1.5 से 2 घंटे सो के गया। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ रहा था, बल्कि मैं सो नहीं पा रहा था, लेकिन इस चीज़ को मैं प्रॉब्लम नहीं होने दिया, बल्कि ये सोचा कि मेरे को कुछ भी करके एग्ज़ाम अच्छा देना है। और इसी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता था एग्ज़ाम के टाइम, और वो वन ऑफ द मेजर रीज़न था कि मैं एक भी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया था। फर्स्ट पेपर में आई वॉज रियली इम्प्रेस विथ माई सेल्फ कि मैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया। तो अगेन, यदि आप नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उस चीज़ को आप एक्सक्यूज मत बनाइए, बल्कि आप खुद को माइंड से स्ट्रॉन्ग कीजिए कि नहीं, मुझे अच्छा देना है एग्ज़ाम। और ये चीज़ आप माइंड से स्ट्रॉन्ग तभी कर सकते हैं जब आपका इरादा अच्छा हो। और ये इरादा, वाई डू यू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, जो मेरा पहला पॉइंट था स्ट्रेंथनिंग योर फाउंडेशन में, पहले स्लाइड का पॉइंट, वाई डू यू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। बहुत लोग बात करते हैं इसके बारे में, और ये ऑलमोस्ट क्लीशे लगता है कि वाई डू यू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, बट आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ प्रिपेयरिंग ESE एंड CSE, आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द एंटायर प्रिपरेशन इज दिस क्वेश्चन, वाई डू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम। तो आप ये चीज़ सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए अपना आंसर निकालने पर। कुछ भी हो सकता है, ये डजेंट मैटर कि सब लोगों को यही चीज़ हो कि मुझे जाके नेशन बिल्डिंग करना है। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि मुझे अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए, एज लॉन्ग एज हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ अलाइन करता है। आप गलत चीज़ मत सोचिए कि हाँ मुझे करप्शन करना है वहाँ जाके। यदि आप अच्छा चीज़ सोचते हैं कि हाँ मुझे एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी लेना है, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट इट शुड बी सब्सटैंशियल। और यदि ये चीज़ आपका स्ट्रांग है, तो आई एम गारंटिंग यू कि आप ये एग्ज़ाम जरूर क्लियर कीजिएगा, यदि आप पेशेंस और परसिस्टेंट हैं। ओके, दिस इज़
फाइनल। अब मैं लास्ट में क्वेश्चंस लूंगा, ओके okay. देयर इज वन क्वेश्चन, प्लीज टेल अस अबाउट गेट प्रिपरेशन। गेट प्रिपरेशन के बारे में मैं बता दिया हूँ कि मैं बहुत कम प्रिपेयर किया था। मैंने यही किया था कि मैं ESE के शॉर्ट नोट्स रिवाइज किया था और प्रीवियस ईयर के सारे सवाल सॉल्व किए और कम से कम 25 टेस्ट तो दिया ही था मैंने डिफरेंट कोचिंग के। ये इनफ था मेरे लिए। और गेट में मैं एक चीज़ देखता हूँ कि गेट में भी यही चीज़ है कि आप कितना करेक्ट आंसर ले के आ पाते हैं और उस दिन कितना अच्छे से परफॉर्म करते हैं। दिस इज इनफ फॉर गेट प्रिपरेशन, एटलीस्ट फॉर ए सीरियस ESE एस्पिरेंट। और देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। मैं इसके बारे में यही बोलूंगा कि डिस्ट्रैक्शन वगैरह आप तभी अवॉइड कर सकते हैं जब कोई भी काम करने के प्रति आपका इरादा मजबूत हो। और ये इरादा मजबूत तभी होगा जब आप ये क्वेश्चन का आंसर सही से निकाल पाते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। और एक बार जब आप वाई का आंसर पा लेते हैं, देन यू शुड स्टार्ट डेवलपिंग द क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एस्पिरेंट, कि आप कंसिस्टेंट हैं, एक्शंस ले रहे हैं, यदि आपसे मिस्टेक हो रहा है तो आप सीनियर से बात कर रहे हैं, आप मेरे से हर एक में पूछ सकते हैं सवाल, या फिर कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर 9818631142। मैं मैसेज में लिख दे रहा हूँ अपना फ़ोन नंबर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं जब भी आपको डाउट हो। ओके okay. Some people are asking me, what are the books did I refer during my preparation? मैं स्टैंडर्ड कोचिंग मटेरियल का सोर्स उठाया था, कोई भी बुक्स नहीं पढ़े थे। कोई भी कोचिंग मटेरियल इनफ है आई वुड से, यदि आप बेसिक प्लान से स्टिक करते हैं कोई भी कोचिंग मटेरियल अच्छा है। बट आई वुड से स्टैंडर्ड मटेरियल जो सब लोग रेफर करते हैं आप वो रेफर कीजिए, मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। ओके, सम पीपल आर आस्किंग अबाउट GS सब्जेक्ट, कि वो बोरिंग लगता है या फिर सर अच्छे से नहीं हो पाता है। आई वुड से कि GS यदि सही तरीके से देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा ब्लेसिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें आप बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और एटलीस्ट यू शुड टारगेट फॉर 115 मार्क्स। और जो मैंने तरीका शुरुआत में बताया था कि बुक्स उठाइए आप, उसको कम से कम 3 से 4 रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसको एनालिसिस कीजिए, करंट अफेयर का आप डेली वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, और लास्ट में जो भी मटेरियल निकालते हैं उसमें बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फैक्चुअल चीज़ें UPSC नहीं पूछती है, वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर ध्यान देती है। There is one question. Sir, we are from local college, graduate student. यदि आप local, doesn't matter यदि आप local college से हैं, yes, आपके पास एक थोड़ा disadvantage है कि मे बी आप वहाँ पर अच्छे से ना पढ़े हो, वहाँ पर अच्छे से concept नहीं clear हो, तो आप book उठाइए और एक एक concept को अच्छे से पढ़िए। यदि आपको doubt हो रहा है तो आप टीचर से गाइडेंस लीजिए, लेकिन एक बार आपने यदि अच्छे से कंप्लीट कर लिया और कॉन्सेप्ट को अपने फाउंडेशन बिल्ड कर लिया, देन बिलीव मी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड एनी अदर स्टूडेंट
और आप आगे बढ़ सकते हैं यदि आप कंसिस्टेंट होकर मेहनत किए। दिस वन क्वेश्चन, हाउ टू टैकल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। ये चीज विद प्रैक्टिस ही आएगा। जैसे समटाइम्स डेसिमल स्क्वायर रूट पूछते हैं तो बहुत स्टैंडर्ड होता है कि रूट पाई हो गया, रूट जी हो गया, ये सब ना बहुत स्टैंडर्ड है। और वो जब आप लगाता है प्रैक्टिस करते हैं तो आपको याद हो जाता है कि रूट पाई, रूट टेन, रूट जी का क्या वैल्यूज होता है। तो आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और आप जब 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए हैं तो बिलीव मी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आपके लिए डिफिकल्ट पार्ट नहीं होगा, ये लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम होगा। और अगेन एग्जामिनेशन के टाइम बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन से ज़्यादा फोकस कीजिए थ्योरेटिकल और इजी क्वेश्चन पे। ओके, दिस इज इनफ। आई थिंक Do you have any other questions? Okay, there is one. How to analyze paper? दो चीज एनालिसिस करने का है, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे एनालिसिस करें और एक जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं वो कैसे एनालिसिस करें। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो आप वहाँ पे देखिए कि कहाँ पे आपका गलत हुआ, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, या फिर जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, या फिर अपने मिस्टेक्स को अपने कॉपी में लिख लीजिए। दीज आर द थिंग्स यू रिक्वायर्ड फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। एक अलग एनालिसिस है कि आप किस तरीके से यूपीएससी के माइंडसेट को समझते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं, और ये स्पेशली हेल्पफुल है जीएस वन पार्ट में, जो जनरल स्टडीज का पार्ट है पहला पेपर प्रीलिम्स का। वहाँ पे आप ये देखिए कि यूपीएससी क्या पूछना चाहता है। उस पिछले 4 साल के पेपर को बार बार पढ़िए, और एक बार जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या कंसेप्ट पूछते हैं। बहुत ज़्यादा याद करने पर फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मटेरियल साइंस का, या क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स का, या डिज़ाइन का, यहाँ पे थोड़ा आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है स्पेशली मटेरियल साइंस में। तो आप वहाँ पे अपने मटेरियल से ज़्यादा याद कीजिए, या फिर एग्जांपल के तौर पे इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर एथिक्स, ये दोनों में बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ICT में एक बार बेसिक रीडिंग कीजिए, कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ों पे मत याद रखिए क्योंकि वो नहीं पूछते हैं। तो अगेन ये चीज़ आपके एनालिसिस पार्ट से आएगा। या फिर एथिक्स का एग्जांपल लेते हैं, एथिक्स में भी बहुत ज़्यादा डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ समझने की ज़रूरत है। तो अगेन आप ये जब एनालिसिस करते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ, एथिक्स में मुझे बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। ओके, आई थिंक दिस इज इनफ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। यदि आपको डाउट है, मैं कुछ लोग पूछ रहे हैं मेरा ईमेल आईडी, मैं अपना ईमेल आईडी लिख देता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। यदि आपको डाउट हो तो आप मेरे ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। बाय।